Hi guys, good morning. Once again, welcome back to my channel, and I'm here with another video which is called A Day in Life of PhD Student at IIT Campus. So basically आज का वीडियो है वो एक PhD स्टूडेंट की लाइफ से रिलेटेड होने वाला है कि हम लोग IIT कैंपस में जो रिसर्च लाइफ है उसके दौरान हमारा जो रूटीन है वो क्या होता है. सो सुबह सुबह मैं जल्दी नहीं उठ पाती हूँ, मैं अराउंड 9:30 और 10 के अराउंड उठती हूँ. सो अभी 9:30 हो रहा था और मैं उठ गई. उठने के बाद सबसे पहले एज यूजुअल मैं अपना ब्रश करती हूँ, फ्रेश इनफ होने के बाद मैं ब्रेकफास्ट के लिए जाती हूँ, देन उसके बाद आके मैं सार लेती हूँ और फिर मैं लैब जाती हूँ. लैब जाते जाते मुझे अराउंड 11:30 और 11 हो जाता है और उसके बाद मैं जाके अपना 3-4 घंटे काम करती हूँ. सो बेसिकली आज का पूरा रूटीन मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, तो आप इस वीडियो पर बने रहें और देखें कि एक PhD लाइफ होती है वो कैसी होती है. गाइज गुड मॉर्निंग, वंस अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल मिस आईटीएन, एंड आई एम हेयर विद अनदर वीडियो. सो बेसिकली आज की वीडियो में मैं आपको जो हमारा PhD लाइफ है वो दिखाने वाली हूँ कि हम पूरे दिन में क्या क्या करते हैं और कब उठते हैं, कब लैब जाते हैं, कब काम करते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको दिखाने वाली हूँ. तो ऑलरेडी मैं 9:30 उठ चुकी थी और अभी 10:30 हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ जाके ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ. ऑब्वियसली ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं है, काफ़ी लेट हो गया है, फिर भी मुझे कुछ खाने का मन है तो मैं जाके कुछ खाऊंगी, देन उसके बाद मैं लैब जाऊंगी. तो मैं आपको पूरा रूटीन अपना दिखाती हूँ, आप बने रहे इस वीडियो पे. सो चलो अभी लैब चलते हैं और अपना काम करते हैं वहाँ चल के, क्योंकि लैब जाने का ऑलमोस्ट टाइम हो गया है, फिर लंच के लिए वापस भी आना है. सो बैग है वो रेडी है. और डिपार्टमेंट पहुंचने के बाद सबसे पहले अगर हमारा लैब ओपन नहीं होता है, जैसे उसमें कोई भी मेंबर नहीं आता, तो एक मेंबर को की रजिस्टर में एंट्री करके पहले लैब की लेनी होती है. तो मैं यहाँ पे की रजिस्टर में एंट्री कर रही हूँ की के लिए, और फाइनली एंट्री होते ही मुझे एक लैब की मिल गई और अभी मैं लैब पहुँच चुकी हूँ. ये हमारा लैब है, आज इसमें अभी कोई नहीं आया था क्योंकि आज महावीर जयंती थी, तो जो लोग थे वो आज नहीं आए थे. जनरली हम 4-5 लोग यहाँ पे बैठते हैं. सो ये मेरी सीट है और फाइनली मैं अपना काम है उसमें लग गई हूँ. और अभी अराउंड है वो 11 PM हो रहा है, 11 से मैं जो लंच टाइम है तब तक पढ़ूँगी. सो अभी लंच टाइम हो गया है, अराउंड 2:30 हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ जाके कुछ खा लेती हूँ, क्योंकि लैब में मैंने 3-4 घंटे काम कर लिया है, 11 बजे से 2:30 तक मैंने किया है अभी. सो अभी जाके कुछ खाते हैं, देन फिर मैं वापस आके काम करूँगी और उसके बाद का रूटीन मैं आपको फिर बताती हूँ. सो लंच टाइम पे जनरली मुझे डोसा खाना पसंद है, थोड़ा हल्का होता है क्योंकि अगर मैं प्रॉपर लंच करती हूँ तो मुझे नींद आने लगती है और मैं काम नहीं कर पाती हूँ.
सो लंच वगैरह हो गया है और अगेन मैं लैब आ गई हूँ। अब उसके बाद मैं थोड़ा पढ़ूंगी और शाम को आपको मिलती हूँ। एक कोल्ड कॉफी बना दो। और जनरली शाम को 5 और 5:30 बजे के अराउंड थोड़ी भूख लग जाती है, तो मैं कैंटीन पे आई थी और मैंने सोचा क्यों नहीं मैं जूस पी लेती हूँ। तो मैंने कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर की थी बट कोल्ड कॉफ़ी में थोड़ा टाइम लग रहा था, तो फाइनली मैंने स्ट्रॉबेरी शेक लिया जो थोड़ा जल्दी बन गया था, एंड एक प्लेट पकौड़ा लिया। जो साथ में जो चाय रखी हुई है वो मेरी फ्रेंड की है एक्चुअली, और हम सब लोग खा पी के अगेन फिर हम लैब के लिए निकल गए। मेरी अभी एक मेरे सुपरवाइज़र के साथ एक मीटिंग है, डिस्कशन है कुछ पेपर से रिलेटेड, सो मैं अभी वहाँ जा रही हूँ एंड उसके बाद मैं फिर मिलती हूँ आपको। सो अभी मैंने अपने सर के साथ जो मीटिंग थी वो जस्ट कंप्लीट की है, अराउंड 8:30 बज रहे हैं और डिनर टाइम भी हो गया है, तो मैं अभी डिनर के लिए जा रही हूँ और डिनर के बाद मैं वॉक पे जाऊँगी, देन फिर देखते हैं क्या करते हैं। सो चलो पहले डिनर कर लेते हैं चल के। सो हाय गाइस, रात का 1 बजने वाला है अभी और मैं अभी रूम पे जा रही हूँ। डिनर हो गया था उस टाइम पे 10 बजे और 10:30 मैं वॉक करके वापस लैब आ गई थी और फिर मैंने आके कुछ काम किया एंड मैं अभी वापस जा रही हूँ। सुबह मैं थोड़ा लेट ही उठती हूँ जैसा कि मैंने आपको बताया था 9:30 और 10 के अराउंड, तो इस तरीके से कुछ हमारा दिन है वो जाता है एज ए रिसर्च स्कॉलर। ऐसा नहीं है कि यार हम फ्री बैठे होते हैं, बहुत काम करना होता है पूरे दिन में। सो एज ए PhD स्कॉलर लाइफ का रूटीन थोड़ा ऐसा रहता है। और दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल मिस IIT। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।